as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे और एकदम मजे में होंगे। और अभी हो रहा है सुबह का टाइम और मैं ना अभी नहा के आ रही हूं। मैंने इतनी जल्दी नहा लिया है कि घर में सब लोग अजूबा मान रहे हैं कि नहा कैसे लिया। वैसे ना मैं यहाँ पर सर्दी ज्यादा है, मौसी के यहाँ तो नहा लेती थी टाइम से, तो यहाँ ना मैं थोड़ा सा लेट नहाती थी। लेट का मतलब मुझे 12-1 बज ही जाता था नहाते नहाते, और मैं काम पहले कर लेती थी बाद में नहाती थी। और आज ना मैंने जल्दी नहा लिया सुबह सुबह, तो सब लोग कह रहे हैं अरे तुमने नहा लिया, उम्मीद ही नहीं थी। नानी हमें कह रही थी उम्मीद ही नहीं थी, है नानी? ऐ उम्मीद नहीं थी, मैं नहा लिया तो लगा चर में पड़ गए। वैसे सर्दी है नहीं तो वैसे नहा लेती हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सर्दी की वजह से ठंड लगती है ना, तो मेरा मन नहीं करता, मैं पूरा काम कर लेती हूँ, खा पी के फिर नहाने जाती हूँ। सारे काम सुबह से छोड़ के सबसे पहले नहा लिया है, क्योंकि नहाना मेरा सबसे बड़ा काम होता है। सुबह नाश्ता बनाया, क्योंकि नानी की दवा के लिए लेट हो जाता है, इसलिए चाय नाश्ता किया, नानी के लिए पानी रखा हॉट वाटर, ताकि वो अपने पैरों की अच्छे से सिकाई। सुबह से नानी को सिकाई करनी होती है, दवा वगैरह लेनी होती है, तभी वो पूरा दिन आराम से रहती है। जब इतनी जल्दी नहा लिया है तो भोले बाबा की आराधना ना करें, ऐसा तो हो नहीं सकता है। उनके भक्त उनके पास ना आए सबसे पहले तो कैसे चले। आज मैंने ये वाला नाइट सूट है, लोवर टी शर्ट टाइप का आया है, ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था मीशो से, ये पहन लिया, अच्छा लग रहा था, लेकिन इसका कलर मुझे अच्छा लगा था तो मैंने ये मंगा लिया था। आज मैंने सेट में पहना है। लच्छा पराठा खाओगे तुम भी? खाओगे ऐसे हाथ से खाओगे? वो तो हाथ लगाने में भी डर रहा है। खाओ, देखो दीदी ने बनाया है मिर्च डाल के, लेकिन आपको तो मिर्च लगेगी, यमी यमी। मैंने ना लास्ट में अपने लिए इतना बड़ा लच्छा पराठा बना के देखा, बना नहीं है लच्छा, लच्छा अलग नहीं हुआ, ज्यादा पतला बेल दिया, तो थोड़ा मोटा कोई बेल थी तो निकल के आता। पिसाइड जो भाड़े डाल रहे हो हमारी, क्या है खाओगे तुम? तो बिस्किट खाओगे, बिस्किट ले आए, चलो ला रहे बिस्किट लेके आ रहे हैं, आप बैठो। पराठा नहीं खा पाओगे, मिर्च डली उसमें। रोड साफ हो गया एक बार जरूर। हाँ। अरे अंदर मत जाओ घर। और महोबा में मौसम तो 2-3 दिन से ऐसा ही था, धूप निकल आती थी, बादल आ जाता था, लेकिन इतनी उम्मीद नहीं थी कि ओले भी बरसने लगेंगे। आज इतनी तेज बारिश हुई थी कि ओले बरस रहे थे इतने भयंकर, मैं जाल ढकने गई ना तो मेरी पीठ में पत्थर गिर रहे थे, तो मैं बाग आई हूँ कुर्सी उर्सी सब उल्टा छोड़ के। और जब बारिश हुई और पकौड़े बने ना, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो यहाँ पर ये सुबह का टाइम है, बारिश शाम के टाइम हो रही थी, ये सुबह का टाइम है। और सुबह मैंने बनाए हैं यहाँ पर नाश्ते, क्योंकि पोहा थोड़ा सा था, तो फिर मैंने कहा कुछ तो चाहिए नाश्ते में, क्योंकि खाना लेट हो जाता है, सब लोग रहते हैं। तो फिर मुझे बस आलू और प्याज को मैंने काट के बेसन के साथ पकौड़े बना दिए, मतलब चाय के साथ यही हो जाएंगे, और उसके साथ हरी वाली चटनी। सुबह बोल रही, सुबह सुबह चढ़ी रहती है मौसी ने। और अभी मैं ना चाय बना के ऊपर लेके आई हूँ मौसी को, यहाँ पर देखो मौसी 3 घंटे से ऊपर बाथरूम में कपड़े धुले में लगी हुई थी, और देखा तो डुगू डुगू के बस कपड़े धुले हैं, चल जा रही है कपड़े फैलाने मौसी। और मैं चाय ले आई ऊपर थी मौसी, चाय पी लेते हैं। हमारे यहाँ ना चाय जितने टाइम बन जाए, नहीं ये लोगों के यहाँ ना चाय जब बनती है तब शाम का टाइम हो जाता है, लेकिन हमारे यहाँ ना चाय बन जाती है शाम से, मतलब नहीं होता ना मौसी, पूरा दिन शाम की रहती है चाय, शाम वाली चाय का मतलब नहीं, शाम की। हाँ हमारे छपरे का लोग देखो कितना अच्छा आता है, इस छपरा बहुत ज्यादा काम आता है, छपरा नहीं है
छपरा नहीं है, तीन है लेकिन पहले छपरा था तो मैं बोलने की आदत पड़ गई। बारिश आ जाती है चूल्हा भी अंदर रख देते, चारपाई भी ना हो तो। देखो ऊपर का जितना सामान है ना, ये कपड़े जो टंगे रहते हैं ना, ये सबके डेली यूज वाले कपड़े हैं, तो यही रात में उठा के डाल लेते हैं। हाँ, और गीले भी होते हैं ना, तो छपरे के नीचे डाल देते हैं, हवा लगती रहती है, भीगते नहीं है, सूख जाते हैं आराम से। यहाँ पर डुग्गू की दीदी डुग्गू को चलना सिखा रही है, मतलब कि वो चल तो लेता है लेकिन थोड़ा सा क्या है कि बैलेंस अभी नहीं हो पाता है, तो थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए होता है उसे पकड़ने के लिए, और अपने मन से खड़ा हो जाता है, उठ जाता है बस पकड़ के थोड़ा सा चलाने के लिए, लेकिन वो तो यहाँ वहाँ सामान दिखता है तो भगता जाता है घोटू के बाद। और यहाँ पर बस मौसी बोल रही थी कि मैगी खाने का मन हो रहा है, तो मैं गई दुकान फटाफट से ले आई मैगी, और फिर मैंने बना ली। लेकिन मैगी मैंने यहाँ पर खा के पियो या पी के खाओ ऐसी वाली बनाई है। अभी मैं आ रही हूँ शाम वाली पूजा करके, तो सबको आरती दिलाई है, पूजा ऊपर होती है और आरती और प्रसाद देनी दीजिए। डुग्गू देखो तुम्हारे लिए कितनी सारी चीज ले आए, पहले मैं और शिवानसी जाया करते थे दुकान, अब डुग्गू के लिए लेके आई हूँ। ये देखो सारे डुग्गू के लिए हैं, बस ये नहीं है, ये मेरे लिए है। डुग्गू देखो देखो लो लो लो, फोन जब कार्टून देख रहा हो तब किसी चीज से मतलब नहीं है, लो खा लो। बिस्किट तो उसके फेवरेट है, वो भी पाले जी सबका फेवरेट होता है बचपन में, ये देखो टेस्ट तो तुम्हारी टोपे का जा रहा है तुम्हारे मुंह के अंदर, बिस्किट पाले जी। हाँ आटा खत्म होने वाला है, और नानी के घर में ना गेहूँ हमेशा धुलकर ही यूज होते हैं, तो जो अगली बार मामी ने धुले थे तो उसका तो आटा आ चुका है बनके, और अब न्यू बना के रखनी है, और मौसम ख़राब है तो नानी बोलेंगे बना के रख लो, क्योंकि अब ऐसा मौसम हो जाता है कि कभी भी धूप आ जाती है, कभी भी बारिश होने लगती है, ओले भी बरसने लगते हैं, उस वजह से आज धूप थी तो फिर सुबह सुबह नानी ने बोल दिया, तो मैंने कहा चलो सबसे पहले गेहूँ वाला ही काम निपटा लेते हैं। और मामी ना गेहूँ एक ही पानी में जल्दी से धुल डालती हैं, और मैंने इस पानी को 3 बार हटाया क्योंकि वो ब्लैक ब्लैक दिखने लगता है, गंदा है, तो ये लगता है कि पानी इतना गंदा है तो गेहूँ भी अभी गंदे ही होंगे, तो इस तरह से मैंने 3 बार पानी बदला। और जब कहते हैं ना कि काम, मुझे ना कोई भी काम सीखना नहीं पड़ा, मेरे काम सामने ऐसे काम आ जाते हैं, मैं उनको करती हूँ तो अपने आप सीख जाती हूँ, जो नए भी आते हैं वो भी मैं करने जाती हूँ तो बन जाते हैं मुझसे। और यहाँ क्या कर रहे हो, मैं खेलने के लिए गेहूँ बीन रहे हो हैं? बीन लो, साफ कर दो, गेहूँ साफ कर दो, तुम तो फैला रहे हो। के साथ करूंगी अपना ये वाला वीडियो एंड, और वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, पसंद आया तो लाइक जरूर करें, और वैसे ना मैं अपने वीडियो में बहुत कोशिश करती हूँ कि हट के टॉपिक लेके आऊँ, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा घर में हो जाता है, ऐसा माहौल क्रिएट हो जाता है ना, तो फिर वो मुझे घर घर की ब्लॉगिंग करनी पड़ती है जैसे मौसी लोग करती हैं। और मैंने ना इस तरह की ब्लॉगिंग सच बताऊँ तो सोची नहीं थी करने के लिए, मैं एक अलग टॉपिक लेके आना चाह रही थी, लेकिन क्या कहते हैं वो फिर वो हो नहीं पाता ना, आप यहाँ पर फिर वहाँ पर घर में, आप जैसे नानी की तबीयत खराब है तो थोड़ा उनको देखना है, तो फिर ना वही रह पाता है घर के अंदर, तो फिर मुझे ना वो घर की ब्लॉगिंग ही करनी पड़ती है। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो से, मतलब कि मैं जो ब्लॉगिंग करती हूँ उससे बोर ना हो, थोड़ा कुछ ना कुछ क्रिएटिव करने के लिए, आप मेरे वीडियो से तो बोर नहीं हो रहे होंगे लेकिन मेरी हेयर स्टाइल से बोर पक्का हो चुके होंगे, क्योंकि मेरी ये हेयर स्टाइल नहीं चल रही,
पता नहीं मुझे हेयर स्टाइल करने में ना, सच बताओ तो मौत आती है। मैं सारा काम कर लूंगी लेकिन हेयर स्टाइल नहीं होती है। मुझे कहीं जाना होता है, मैं सिंपल बोनी बना के चली जाती हूँ। कोई भी कहीं भी कपड़े पहनने में आधा घंटा लग जाएंगे, लेकिन बाल खींचने में मैं 10 मिनट भी नहीं लगाती, 5 मिनट भी। बस कंघे ऐसी किया और चोटी की और बस निकल गई। क्यों नहीं हेयर स्टाइल, मैं फिर भी आगे कोशिश करूंगी इसे भी चेंज करने की। देखो ऐसा ऊपर से ऐसे और करती हूँ, चोटी तान के एकदम, एक भी बाल लूज ना रह जाए, खींच के पूरे सारे बाल चले जाते हैं पीछे, तो आगे खाली खाली दिखता है। और यहाँ के येलो येलो बाल होते हैं तो वो ऐसा लगता है जैसे टकली। बस इसी के साथ करूंगी अपना ये वाला वीडियो एंड। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे न्यू वीडियो ब्लॉग आपको आगे ऐसे ही मिलते रहे। तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलूंगी एक अच्छे से ब्लॉग।